हेलो, कल मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे एक सर्वे किया, लिंक्डइन और ट्विटर पे। मैंने क्वेश्चन पूछा, पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से इंडिया का कौन सा स्टेट नंबर वन है। 44% लोगों ने ट्विटर पे महाराष्ट्र बोला और 46% लोगों ने लिंक्डइन पे भी महाराष्ट्र को ही बोला। अब ऑब्वियसली 80% लोगों ने गलत आंसर दिया, येट आई एम थैंकफुल टू देम दैट दे वोटेड। तो 80% लोगों ने गलत जवाब दिया और इसमें उनकी कोई गलती भी नहीं है, और गलती इसलिए नहीं है क्योंकि हमें हमेशा जीडीपी के आंकड़े बताए जाते हैं, हमें हमेशा अवेयर किया गया है जीडीपी को लेकर के। लेकिन जीडीपी पर कैपिटा मेरे हिसाब से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जीडीपी से। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे दोनों के बीच का अंतर कि जीडीपी किसे बोलते हैं और पर कैपिटा जीडीपी किसे बोला जाता है, और एज ए अवेयर सिटीजन क्यों आपको पता होना चाहिए इन दोनों के बीच का अंतर। साथ ही साथ ये आंकड़े, इकोनॉमी के ये आंकड़े कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के लिए या एक इकोनॉमिक्स और स्टॉक मार्केट के स्टूडेंट के लिए, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सीखते हैं जीडीपी और जीडीपी पर कैपिटा के बीच का अंतर। तो सबसे पहले समझते हैं जीडीपी, फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी सकल घरेलू उत्पाद। तो जीडीपी कुछ ऐसा है कि इस पूरे कंट्री में एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में, हमारी कंट्री में, इंडिया में एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, किसी एक साल में टोटल फिनिश्ड गुड या सर्विसेज का मॉनिटरी वैल्यू क्या है, ये होता है उस कंट्री का जीडीपी। मतलब हम लोग सर्विसेज देते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, सबकी अपनी एक कीमत है, अगर उन सारी कीमतों को हम जोड़ दें तो उस कंट्री का जीडीपी वो कहलाएगा। और पर कैपिटा जीडीपी आप कैलकुलेट करते हैं पूरे जीडीपी को इस कंट्री के पॉपुलेशन से डिवाइड करके। तो हर कंट्री का एक तो जीडीपी आपको पता होना चाहिए और दूसरा पर कैपिटा जीडीपी। इंडिया की कंट्री, इंडिया अपनी जो कंट्री है, यहाँ पे हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। तो चूंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और हर आदमी किसी न किसी सेक्टर में इन्वॉल्व है, भले ही उसे इफिशियंटली इन्वॉल्व किया गया है या नहीं किया गया है, लेकिन वो इन्वॉल्व है और वो सम करता है, ऐड करता है टोटल जीडीपी में। इसलिए इंडिया की जो जीडीपी है वो छठे नंबर पे है पूरी दुनिया में, लेकिन जब बात करते हैं पर कैपिटा जीडीपी की तो वो काफ़ी कम है, वो मैं आपको भी आगे बताता हूँ। लेकिन समझने वाली बात ये है कि अगर आप किसी कंट्री के लोगों का लाइफस्टाइल देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वो आप उस कंट्री के टोटल जीडीपी से नहीं, पर कैपिटा जीडीपी से देख करके पता लगा पाएंगे। ये पर कैपिटा जीडीपी ही है जो कैलकुलेट करने के इसके तरीके एक्सपेंडिचर वाइज भी है, गवर्नमेंट का, मशीनरी का, सबका मिला के जो एक्सपेंडिचर है वो भी एक तरीका होता है टोटल जीडीपी कैलकुलेट करने का। मतलब कहीं ना कहीं पे परचेजिंग पावर पैरिटी का भी बहुत बड़ा योगदान होता है ओवरऑल जीडीपी कैलकुलेट करने के तरीके में। दो तरीके से, नॉमिनल और परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से जीडीपी कैलकुलेट होता है। इस वीडियो में मैं बहुत डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अगर देश बड़ा होगा तो टोटल जीडीपी जरूर उस कंट्री का बड़ा होगा, ये आपको समझ के चलना होगा। और दूसरी बात कि जीडीपी पर कैपिटा अगर आप देखते हैं तो शायद वो ज़्यादा सही पैरामीटर है ये पता करने के लिए कि किसी भी कंट्री में वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है, कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं और कितने लोग अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब आपको मैं कुछ आंकड़े बताता हूँ। जीडीपी और पर कैपिटा जीडीपी का अंतर अब आप समझते हैं डेफिनेशन वाइज, नंबर्स के वाइज आप समझना चाहेंगे। तो इससे पहले कि हम ये जाने कि कौन सा स्टेट हमारे कंट्री के अंदर नंबर वन है पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से, उससे पहले समझते हैं इंडिया की इकोनॉमी के बारे में। आपको क्या लगता है इंडिया पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से दुनिया में कौन से नंबर पे होगा? डेटा जो है विकिपीडिया का, जो मैंने आपके लिए लिया है, आप यहाँ देख सकते हैं, वो ये है कि इंडिया अभी 2021 का जो एस्टिमेट है उसके हिसाब से 6 नंबर पे आता है जीडीपी के हिसाब से, नॉमिनल जीडीपी। लेकिन जैसे ही बात करते हैं पर कैपिटा जीडीपी की, ये नंबर काफ़ी बुरा है और वो नंबर है $2,191, करीब करीब 1.5 लाख रुपए। और रैंकिंग की बात करें तो 145th रैंकिंग है दुनिया में, करीब करीब 190 देश हैं, और 190 देशों में 145वें नंबर पे आते हैं। हम सबको दो कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करने की हमेशा आदत है, एक अमेरिका और दूसरा पाकिस्तान। तो आप थोड़ा सा समझने के लिए कि इंडिया की जीडीपी इन देशों के मुकाबले कितनी अच्छी या बुरी है, तो यूएस का जीडीपी है 22 ट्रिलियन, करीब करीब 7 गुना बड़ी इकोनॉमी है।
चार गुना बड़े हम देश हैं उनसे पॉपुलेशन वाइज, लेकिन इकोनॉमी वो हमसे सात गुना बड़ी है। इसीलिए उनकी पर कैपिटा जीडीपी जो है वो है $68,000, हमारी है $2,000, उनकी है $68,000, करीब करीब 34 गुना ज़्यादा है वहाँ के प्रति व्यक्ति का जीडीपी यहाँ के मुकाबले। तो कितना कुछ करना होगा हम लोगों को, ये नंबर और ये फासला बताता है अगर हमें अपने देश को कुछ अमेरिका जैसी बड़ी महाशक्ति बनानी है। दूसरी तरफ जैसा मैंने आपको लाइटर नोट पे बोला, हम सबको पाकिस्तान से भी कंपेयर करने की आदत है, तो पाकिस्तान की जीडीपी है 300 बिलियन, करीब करीब हम लोगों से 10 गुना छोटी इकोनॉमी है वो, और पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से उनकी हालत भी हमारी जैसी ही है, हम लोग $2,000 पे हैं, वो $1,500 पे हैं। तो ये एग्जाम्पल वाइज अभी आप समझ गए होंगे कि पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से इंडिया एज ए कंट्री कहाँ रैंक करता है दूसरे कंट्रीज के मुकाबले में। अब इस भाग में हम लोग समझते हैं कि स्टेट वाइज इंडिया में कितना जीडीपी किस स्टेट का है और कौन सा स्टेट नंबर वन है, कौन सा स्टेट सबसे आखिरी में है, और क्यों महाराष्ट्र का लोगों ने जवाब दिया ये भी समझते हैं। तो आपने सर्वे में देखा कि मैक्सिमम लोगों ने महाराष्ट्र को वोट किया। महाराष्ट्र को वोट इन्होंने इसलिए किया क्योंकि महाराष्ट्र एज ए कंप्लीट फुल स्टेट नंबर वन स्टेट है जीडीपी की रैंकिंग में, लेकिन पर कैपिटा जीडीपी रैंकिंग के हिसाब से गोवा इंडिया का नंबर स्टेट है। इनफैक्ट गोवा का पर कैपिटा जीडीपी महाराष्ट्र के पर कैपिटा जीडीपी से लगभग डबल है। ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं आपको दोनों के बीच का डिफरेंस समझा सकूं और ये बता सकूं कि ये पर कैपिटा जीडीपी जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कल अगर आपके नेताजी आपको पूरे जीडीपी का बताते हैं आंकड़ा, तो आप उनसे पूछेंगे एक अवेयर सिटीजन बनके कि मुझे पूरे देश का जीडीपी मत बताओ, 140 करोड़ का देश है मेरा, पर कैपिटा जीडीपी मेरा कितना है वो बताओ। उससे पता चलेगा कि हमारे देश की इकोनॉमी हर व्यक्ति के लिए कितनी अच्छी है और कितनी तेजी से ग्रो कर रही है। ये तो हो गया एक आम आदमी की तरफ। दूसरी तरफ जब आप किसी स्टॉक मार्केट के स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, वॉरेन बफे का एक कोट याद दिलाना चाहूंगा मैं आपको। वॉरेन बफे ने बोला था, मैंने तो अमेरिका में इन्वेस्ट किया है। मतलब जब वॉरेन बफे से किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि आपका फिलॉसफी क्या है इन्वेस्टमेंट का, तो उन्होंने बोला मुझे पता है मेरा देश ग्रो करने वाला है, कंपनियां लग रही हैं, कंजम्पशन बढ़ेगा, मेरा देश बढ़ेगा, मेरे कंपनीज के शेयर्स बढ़ेंगे और मेरा अपने आप धन बढ़ जाएगा। तो बहुत सारे लोग जो इस बात को नहीं समझते कि स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो किसी न किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप सेक्टर्स और इकोनॉमी के बारे में जानो। तो ये जो सारे फैक्ट्स हैं, ये जितना आप जानोगे उतना अवेयर बनोगे और उतने ही अवेयर आप इन्वेस्टर बन सकोगे। एक कंप्लीट कोर्स ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट में मैंने यही किया है, इकोनॉमिक्स, सेक्टर्स और हर वो चीज जो जरूरी है स्टॉक मार्केट के लिए वो मैंने सिखाया है। तो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं और अभी तक मेरे कोर्स में एनरोल नहीं किया है, तो आप www.kundankishore.in पे जा सकते हैं, इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। और हर वो व्यक्ति जो ये वीडियो देख रहा है उसे एक गिफ्ट कूपन दे रहा हूं मैं, आप जीडीपी गिफ्ट कूपन यूज करके 5% का डिस्काउंट ले सकते हैं। ऑलरेडी कोर्स बहुत सस्ता है, 990 रुपीज का, तो इससे ज्यादा मैं डिस्काउंट दे नहीं पाऊंगा। बट थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप आप जीडीपी, पर कैपिटा जीडीपी दोनों समझ चुके हैं और दोनों के बीच का डिफरेंस समझ चुके हैं और ये समझ चुके हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है पर कैपिटा जीडीपी। थैंक यू।